जहां तक कि कांग्रेस का प्रश्न उठता है तो जितनी भी सीटें हैं चाहे अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बनारस, सारी सीटों को हम एक बराबर महत्व देते हैं और एक तरह से वहां के ऊपर लौटते हैं। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि जो अमेठी है वो अपने आप में एक विशेष दर्जा रखती है, इसलिए क्योंकि वहां पर जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार को प्रेम दिया गया है, जिस तरह से वहां के पर लोग जो हैं वो गांधी नेहरू परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उस क्षेत्र के लिए इस परिवार के जो सदस्य उन्होंने कार्य भी बहुत किए हैं। जी, ऐसा जितनी इंडस्ट्रीज वहां पे आई हैं, चाहे फूड पार्क की बात कर लीजिए, चाहे साइकिल की बात कर लीजिए, रेलवे कोच की आप बात कर लीजिए, ये बात बहुत अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहले उस क्षेत्र की जितनी भी उद्योग थे उनको सबको बंद करने का कार्य किया है। अमेठी के अगर हम मार्जिन की बात करें तो निश्चित रूप से जो पिछला चुनाव था उसमें जिस तरह का एक मोदी जी की लहर चल रही थी, मोदी जी का जिस प्रकार से उन्होंने कंसंट्रेट किया था अमेठी में उन्होंने और पूरा एड़ी चोटी एक लगा दी थी वहां पे जीतने के लिए, तो वोट परसेंटेज जो है या जो मार्जिन है वो निश्चित रूप से थोड़ा कम हुआ था, हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से भी कम हुआ था। लेकिन अब 2000 जैसे आज की बात करें 2014 वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं रह गई है। हिलाल साहब, आपने कहा कि विकास बहुत हुआ, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि विकास के नाम पर अमेठी बिल्कुल पिछड़ा रह गया, गांधी परिवार ने कोई विकास वहां पर नहीं किया। देखिए, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात है तो उसके बारे में तो हमारे राहुल जी जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकास तो पागल हो चुका है जी। वो झूठ सुन सुन करके वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उनको जो है वो समझ में ही नहीं आता है विकास को भी कि कहां विकास हुआ और कहां विकास नहीं हुआ। गुजरात में जहां कहते हैं विकास हुआ है, जहां के पर आप देखिए कि वहां के महिलाएं जो हैं वो माल न्यूट्रिशन में है, जहां के बच्चे जो हैं वो कुपोषित है, जहां के पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जहां पर कैपिटल इनकम जो है वो नीचे गिरा हुआ है, वो विकसित है। अमेठी में उनको जो इतने ज्यादा जो वहां के कार्य किए गए, जिस तरह से वहां इंडस्ट्रीज लगाई गई है, जिस तरह से वहां रोजगार का सृजन किया गया, वो उनको दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित रूप से जब विकास पागल हो जाता है तो इसी तरह से कहता है कि जहां विकास हुआ है उसको दिखाई नहीं देता और जहां विकास नहीं हुआ है वो वहां का विकास। जूही सिंह।